जय चुंजवाड़ा ऋषि, और ये है तीर्थ नदी, और यहाँ पर है राक्षस राज कटोचकच का मंदिर। शूल एवं लोहा देवता को चढ़ाया गया है। देव बड़ा चुमाऊ जी की है। सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल हिमालयन वॉचर में। आज हम आए हैं यहाँ पर बाली चौकी में, और ये है तीर्थ नदी, और ये यहाँ पर सीमा बनाती है डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बीच में। ये है इस साइड बाली चौकी का बाजार, और हमारे पूर्व CM जयराम ठाकुर जी का, और ये ऊपर चुंजवाला की ऊंची पहाड़ियाँ, और इसी के बीच में ये हमारे यहाँ पर तीर्थन नदी, और तीर्थन नदी के साथ ही इस तरफ का लगता है ये कुल्लू का एरिया, और ये है यहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ, और इन पर बसे बहुत ही सुंदर सुंदर गांव। और हमारे साथ है यहाँ पर हमारे साथी पदम, और साथ में है हमारे यहाँ पर तनिक। और ये तीर्थन नदी का बिल्कुल स्वच्छ निर्मल और साफ जल, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियरिटी इसकी। ये नदी हसकुंड से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है हसकुंड, और आगे लारजी में जाकर व्यास नदी में मिलती है। और यह ट्राउट मछली के लिए बहुत ही फेमस है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर नजदीकी क्षेत्र भवन में, और वहाँ पर है कटोचकच का मंदिर जो हिडिंबा के पुत्र है, और आपको हम दिखाएंगे कटोचकच का मंदिर वहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और ये है मार्केट बाली चौकी की। यहाँ की सड़कें संकरी हैं, सुंदर प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। वर्तमान में यहाँ पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण कई बार यहाँ पर जाम भी लग जाता है। और ये हिमाचल की लाइफ लाइन HRTC। तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं धामण में। ये है गांव धामण, बहुत ही सुंदर, और ये धामण पुल, और ये है कटोचकच मंदिर के लिए रास्ता, और इसी के साथ में बह रही है तीर्थन नदी। बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल पारदर्शी पानी, आप इसका देख सकते हैं। और यहाँ पर है राक्षस राज कटोचकच का मंदिर।
यहाँ मंदिर के साथ ही यहाँ पर पानी का एक छोटा सा कुंड है। स्थानीय लोगों से पता चला है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है और उसी के साथ साथ इस कुंड के पानी से स्नान इत्यादि करने से फोड़े, फुंसिया एवं चर्म रोगों इत्यादि से भी लाभ मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिशूल एवं लोहा देवता को चढ़ाया गया है। ये उन लोगों की मनोकामनाएं पूरा होने पर यहाँ पर चढ़ाया गया है। और यहाँ पर राक्षस राज घटोत्कच की पुरानी मूर्ति रखी गई है। और ये है मंदिर का गर्भगृह। घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़े थे। वे बहुत ही बलशाली योद्धा थे। उनकी सीधी लड़ाई कौरव सेना के साथ थी। उनके भुजदंडों में इतना बाहुबल था कि वो कौरव सेना को चुटकियों में ही चट कर सकते थे और जीत का पासा पांडवों की ओर कर सकते थे। महाभारत के इस युद्ध में कर्म के द्वारा घटोत्कच का वध अमोघ शक्ति से किया गया था। जैसे ही उन्हें अमोघ शक्ति का बाण लगा तो वे मूर्छित हो बैठे, परंतु उससे पहले उन्होंने अपने शरीर का आकार इतना बड़ा कर दिया कि वो कौरव सेना पर गिरे तो उनकी कई संख्या में सैनिक मारे गए। ये है तीर्थन नदी और देख सकते हैं आप, इसका पानी बिल्कुल साफ है। और ये ऊंचे पहाड़ बहुत ही सुंदर। अभी यहाँ पर धूप खिली है जो थोड़ी देर में जाने वाली है। सर्दियों में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बर्फबारी होती है। और यहाँ मंदिर से हमें ऊपर कोटला गांव दिख रहा है जो कि जिला कुल्लू का हिस्सा है। और यहाँ से हमें देव बड़ा चुमाऊ जी की कोठी दिख रही है, मंदिर दिख रहा है। इसमें पीछे एक आग लग गई थी, आगजनी की घटना हो गई थी और इस पूरे गांव में ही आग लग गई थी। तो ये था छोटा सा ब्लॉग आज यहां पर गांव धामन का, जहां पर स्थित है एक मंदिर घटोत्कच का। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर 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 साझा करें। धन्यवाद।